नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। मोदी ने कहा, नेम प्लेट से नहीं होती आतंकवादी की पहचान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद को धर्म से बिल्कुल अलग करके देखना चाहिए, क्योंकि आतंकवादी की पहचान नेम प्लेट में नहीं छुपी होती। अमेरिकी पत्रिका टाइम को दिए गए साक्षात्कार में मोदी ने कहा कि धर्म और आतंकवाद को अलग अलग करके देखना होगा, ताकि कोई भी आतंकवादी धर्म का इस्तेमाल न कर सके। उन्होंने कहा कि आतंकवादी की पहचान न उसके नाम से करनी चाहिए और न ही उसके समूह या संगठन से। हमें उनकी पहचान इससे भी नहीं करनी चाहिए कि वे दुनिया के किस हिस्से में सक्रिय है और कौन उनसे पीड़ित है। दरअसल समय के साथ साथ ये नाम और जगह बदलते रहते हैं। चलती उड़ान में पायलट बीमार, यात्रियों ने उतरवाया विमान। बैंकॉक से दिल्ली आ रहे जेट एयरवेज की एक उड़ान को गुरुवार को यहां इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आपात स्थिति में उतारना पड़ा, क्योंकि उसका कमांडर उड़ान के बीच में ही बीमार हो गया। सह पायलट ने कंपनी के नियमों के मुताबिक आपातकाल की घोषणा कर दी और विमान का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। घटना से विमान में सफर कर रहे 121 यात्री स्तब्ध रह गए। सह पायलट को जेट एयरवेज के कैप्टन ने सहयोग किया, जो उसी उड़ान में एक यात्री के रूप में यात्रा कर रहे थे। चीनियों के लिए पीएम मोदी को ढूंढना होंगे नए तरीके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी अगले सप्ताह की चीन यात्रा के दौरान द्विपक्षीय व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करने और चीनी निवेशकों को आकर्षित करने के तरीके ढूंढने होंगे। एक चीनी वेबसाइट पर प्रकाशित एक लेख में कहा गया है कि मोदी को चीन से निवेश बढ़ाने के तरीके ढूंढने होंगे। इसमें भारतीय गृह मंत्रालय द्वारा चीनी निवेश के लिए नियमों की समीक्षा व वीजा नियमों को उदार बनाने की रिपोर्टों का भी जिक्र किया गया है। इसमें कहा गया है कि यदि ये सभी उपाय वास्तविक नीति में बदलते हैं, तो इसमें भारत में चीन निवेश का रास्ता खुल सकेगा।